इस वीडियो में देखेंगे पैनल कैसे बदलते हैं। तो यहाँ चार स्क्रू थे, चारों निकाल दिए हैं। ये पुराना पैनल है, अंदर से जल गया है ये, तो इसको रिप्लेस करेंगे ये नए पैनल के साथ। पुराने वाले को निकाल देंगे और नया वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये पुराना पैनल निकाल लिया है। पुराना पैनल निकालने के बाद नया पैनल लगा रहा हूँ इसमें, और वायरिंग सेम वैसे ही करेंगे। पैनल में लिखा रहता है कि कौन सा किस में लगेगा, तो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रो वाटर का रो वाटर में, हाई प्रेशर का हाई प्रेशर में, फ्लोट का फ्लोट में, LPS का LPS में, और TDS का TDS में। ये सब लगाने के बाद इसका हम दोबारा इसको चेक करेंगे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है। पहले वाला पैनल इसलिए फूट गया था कि इन्होंने कल वायर खोला था कस्टमर ने किसी वजह से, और वायर चेंज किया था। अब उनके जो इलेक्ट्रिशियन है, उन्होंने लूज वायर छोड़ दिया था, जिस वजह से स्पार्किंग की वजह से पैनल तो नहीं फूका है, लेकिन जो पैनल का जो कनेक्टर है वो जल गया। हालांकि पैनल में करंट आ रहा था पुराने वाले में और चल भी रहा था बकायदा, लेकिन माइंड में सेट रहता है कि नहीं अब जल गया तो वारंटी में इसे रिप्लेस करो। तो फिर वारंटी में हमने इसे रिप्लेस करा है। अभी 1.5-2 महीना हुआ है आर ओ को लगे हुए, और स्कूल का मामला है इसलिए। और पुराने पैनल में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब इसे कनेक्शन कर रहा हूँ इसको, सारे कनेक्शन होने के बाद हम इसे चला के देखेंगे एक बार। ये मेन लाइन का कनेक्शन है, चेंज हो गया है। यहाँ से देखो MCB भी उठाया, लाइट आ गई, मैनुअल में डाल दिया, बिल्कुल ओके, परफेक्ट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।